ईडन गार्डन के मैदान पे खेला जा रहा है एक महामुकाबला, जहां सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। पर सेकंड इनिंग्स के 8वें ओवर में एक बड़ी ही विचित्र चीज़ हुई। बैटिंग कर रहे थे केकेआर के जेसन रॉय, गेंद थी सर रविंद्र जडेजा के हाथ में, इन्होंने बॉल डाली, जेसन रॉय ने शॉट मारा, गेंद गई सीधा जडेजा के हाथ में, उन्होंने अपनी टांगों के बीच में से एक पीछे थ्रो करी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे रिंकू सिंह, उनकी विकेट पे गेंद लगी, लाइट जली, लेकिन स्टंप्स के ऊपर जो बेल होती है वो नहीं गिरी, इसलिए वो आउट नहीं माना गया। रिंकू सिंह क्रीज से बाहर थे, बहुत क्लियरली आउट हो जाते अगर वो बेल गिर जाती। पर इसके जस्ट बाद ये हुआ कि जेसन रॉय आधी क्रीज पर आ चुके थे, वहां से थ्रो गई सीधा धोनी के पास, उनके हाथ से भी थोड़ी सी फंबल हुई और एक ही गेंद पर दो बार कोलकाता नाइट राइडर्स के बैट्समैन को किस्मत ने बचा लिया और दोनों छोरों पे आउट होने के चांसेस थे, पर किस्मत ने साथ दे दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों का। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और विचित्र कहानियों के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।